दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन परिणामों को लेकर काफ़ी सारे अलग अलग एग्जिट पोल आ रहे हैं। लेकिन आप लोग को क्या उन पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे, और किस दिन आपको सबसे सटीक एग्जिट पोल मिलेगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर आपको एमपीपीएससी की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि उच्च कोटि के शिक्षकों द्वारा तैयार की जा रही है, जो कि इंदौर कौटिल्य अकेडमी के टीचर्स हैं। और यहाँ पर आप हमारी जो है टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। इसको परचेस करने के लिए आप हमारा कोड GURDPSC25 यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्यापम की टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हैं, जिसका कोड है आपके सामने GURDPEB50। दोस्तों, आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश में मैंने आप लोगों के लिए तैयारी के लिए दो कोर्स बना दिए हैं, और बहुत सारे कोर्स भी आगे बनने वाले हैं। तो उन सभी को फॉलो करने के लिए, कोर्स से जुड़ने के लिए, मुझको फॉलो करने के लिए लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करके मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो बहुत अच्छा है, वहाँ पर आप जाके मैं लिंक दे दे रहा हूँ, सीधा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान हो चुका है और मतगणना अभी होनी है, और यहाँ पर कई तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं। इस पर मैं आपको बता दूं कि अभी जो कि चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है एग्जिट पोल पर, कोई भी एग्जिट पोल अभी नहीं दिखा सकता है। तो क्योंकि राजस्थान में अभी चुनाव है, 7 तारीख को राजस्थान के चुनाव खत्म होने के बाद ही सबसे सटीक एग्जिट पोल आएगा, जो आपको अलग अलग न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और जितनी भी एजेंसियां थी जिन्होंने एग्जिट पोल किया है, वो सब आपको वो एग्जिट पोल ज़रूर दिखाएंगे, और हम भी आपको एग्जिट पोल ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, एक चैनल के द्वारा एग्जिट पोल दिखाया गया था यूट्यूब पर, तो उसको यहाँ पर जो है नोटिस भेजा गया है। देख सकते हैं आप कि चुनाव आयोग के पत्र पर MP नगर पुलिस ने चैनल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इसमें आप देख सकते हैं YouTube पर अब तक चैनल ने एग्जिट पोल प्रसारित कर कांग्रेस की सरकार बनवाई है। एग्जिट पोल प्रसारित होने पर चुनाव आयोग के पत्र के बाद यहां पर पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। देख सकते हैं आपकी, क्योंकि अभी एग्जिट पोल दिखाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए कोई भी एग्जिट पोल अभी नहीं दिखा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता 7 दिसंबर 2018 तक जो है एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा हुआ है, और 7 दिसंबर के बाद आप जो है एग्जिट पोल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर 7 दिसंबर को जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ चैनलों के द्वारा, यहाँ पर ABP न्यूज़ की अगर हम बात करें और अलग अलग हम लोग बात करें और चैनलों की, तो सभी पर एग्जिट पोल आपको दिखाया जाएगा। जो सबसे सटीक एग्जिट पोल होगा वो आपको दिखाया जाएगा 7 तारीख को। तो इसके पहले जितने भी एग्जिट पोल निकल रहे हैं उन सब पर आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा, वो सभी जो हैं उनकी सत्यनिष्ठा पर हम नहीं कह सकते सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनकी हम जो है वैधता पर भी सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अभी वो जो है चुनाव आयोग की परमिशन नहीं है, इसलिए उनको नहीं दिखाना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है आप 7 तारीख का इंतजार कीजिए, जब आपको बिल्कुल एकदम एग्जिट पोल आपको मिलेगा, एग्जिट आंकड़े आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो भी फाइनल नहीं होंगे। फाइनल आपको 11 तारीख को मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा आपको आइडिया लग जाएगा 7 तारीख के एग्जिट पोल से। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।